गया आप लोग, मैं आ गई हूँ आपके सामने नई और मजेदार कहानी के साथ। मगर उससे पहले, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे जो ग्रे बटन है उसको क्लिक करके रेड कर दें। और आप इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी नाउ। गांव में संजय और सीमा नाम के पति पत्नी रहा करते थे। संजय टेलर का काम करता था, कपड़ा सिलता था। वो सब पूरा गांव वाले उससे ही कपड़ा सिलवाते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छा कपड़ा और टाइम से सिल देता था। सभी गांव वाले उससे खुश थे, क्योंकि वो टाइम से कपड़ा सिल देता था। और सीमा भी मदद करती थी उसका, सब औरतों के कपड़े वही सिलती थी। शादी का बहुत साल हो गया था, मगर उनका कोई बच्चा नहीं था। वो रोज गणेश जी का पूजा करते हैं और गणेश जी को बोलते कि गणेश जी मुझे अपने कृपा करके एक बच्चा दे। तभी कुछ सालों बाद गणेश जी के कृपा से एक बेटी हुई उन लोगों की, तो वो लोग बहुत खुश हुए और सभी गांव वाले को दावत में बुलाए, अपनी बेटी का नाम राधा रखा। एक दिन संजय बाजार में कुछ काम के लिए जा रहा था, तभी एक ट्रक था जो उसे थक्का मार दिया और वो उसका वहीं पे मौत हो गया। अब सीमा का सब जिम्मेदारी था, घर का, अपना बच्चा का, बहुत मुश्किल था ये सब करना। मगर उसको खाली औरतों का कपड़ा सिलना आता था, इसलिए उसे कम पैसा मिलता था। वो कैसे कैसे करके घर को संभालती थी। एक दिन अब वो बहुत साल बीत गए, राधा वो बड़ी हो गई थी, 12 साल की हो गई थी। अब उसका जरूरतें बढ़ने लगा था। एक दिन राधा अपनी माँ से बोली कि मेरी दोस्त के उसके पापा उसके लिए एक नए सोने के बाली लाए हैं, मुझे भी आप क्यों नहीं देते। तो उसकी माँ बोली कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है बेटी कि मैं अब तुम्हारे के लिए एक खोज पाऊँ, खरीद पाऊँ एक सोने का बाली। तो वो उदास हो गई राधा, और रोते रोते अपने बेड में लेट के सो गई। और फिर एक दिन वो स्कूल से आई घर वापस, और वो उदास बैठी थी। तो उसकी माँ पूछी कि तुम उदास क्यों बैठी हो। तो वो बोली कि माँ, मेरे सभी दोस्त के पास साइकिल है, मगर मैं ही हूँ जिसके मेरे पास ही साइकिल नहीं है। मैं पैदल जाती हूँ, खाली मैं ही हूँ जिसके जो सूखा सूखा खाना खाती हूँ स्कूल में, टिफिन में। मैं ही हूँ जो फटे पुराने कपड़ा चप्पल पहनती हूँ। मैं ही हूँ जिसके पास एक साइकिल नहीं है, क्यों माँ क्यों। और मैं ही हूँ जिसके पास एक पापा नहीं है, सबके पास पापा हैं, मेरे पास ही नहीं है, क्यों माँ क्यों। तो वो बोली कि दोस्ती सीमा उसकी मम्मी, राधा की मम्मी बोली कि बेटा इतना पैसा नहीं है हमारे पास। ही समझा ही रही थी कि राधा बोलने लगी कि माँ मुझे पता है आप क्या बोलेंगे कि हम गरीब हैं, हम नहीं खरीद सकते, यही बोलेंगे। इसलिए मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ। और फिर वो उदास होके चली गई गणेश जी के पास, मंदिर गई और गणेश जी से पूछी, गणेश जी मेरे पास ही पापा की क्यों नहीं है, सबके पास पापा है, मेरे पास ही साइकिल क्यों नहीं है, सबके पास साइकिल है, मेरे पास ही अच्छा अच्छा कपड़ा, अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा चप्पल क्यों नहीं है, सबके पास है। तो इतना सारा शिकायत सुन के गणेश जी प्रकट हुए और राधा से बोले गणेश जी कि तुम्हारे जिंदगी में यही
लेकिन मुझे ऐसे नहीं जीना भगवान जी, मुझे अच्छे तरह से सबके तरह जीना है। तो गणेश जी बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि जब भी तुम्हारी माँ रोएगी तो उसमें उनका आंसू सोने का सिक्के में बदल जाएगा। तो राधा बोली ठीक है, थैंक यू गणेश जी। बोले पर एक बात याद रखना राधा, कि कभी भी तुम मत रोना, नहीं तो सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा, तुम गरीब हो जाओगी। तो राधा बोली ठीक है भगवान जी, मैं ये बात याद रखूंगी। और फिर वो खुशी खुशी घर अपने घर गई और अपनी मम्मी को बुरा भला बोलने लगी। तो उसकी मम्मी रोने लगी और फिर उनके आंसू सोने के सिक्के में बदल गए। तो फिर राधा इसी में अपना सब जरूरत का काम वो सोने का सिक्के से करती थी। फिर बहुत साल बीत गए, अब राधा 17 साल की हो गई थी। अब उसके पास घर घर था, खाना था, कपड़ा था, चप्पल जूता सब कुछ था उसके पास। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसकी माँ बुलाने लगी, राधा बेटा जला आना, उसकी माँ बीमार हो गई थी, बीमार रहने लगी थी। तब राधा बोली माँ अभी मैं बिजी, अभी मुझे पार्टी कर जाना है। तो वो उसकी माँ बोली प्लीज आ जाओ बेटा, तो मुझे कुछ बात करना है तुमसे। तो राधा आई और बोली क्या हुआ माँ, क्या हुआ माँ? तो राधा की माँ बोली कि जब तुम पैदा हुई थी तो मैं और तुम्हारे पापा बहुत खुश रहते थे। मैं और तुम्हारे पापा चाहते थे कि तुम्हारा सब जरूरत का चीज मैं हम लोग तुम्हें तुम्हारा पूरा करें। और फिर मगर तुम्हारे पापा का मौत हो गया, मैं अकेले पड़ गई, इसलिए मैं चाह के भी तुम्हारा चीजें पूरा नहीं कर पाई, उसके लिए माफ कर दो बेटा। तो वो फिर रोने लगी। तो फिर राधा अब उसकी माँ के आँख से आंसू सोने का सिक्का नहीं, दो हीरे बने लाल कलर का। उसने उसका बचपना दिखाई दिया कि वो कैसे छोटी थी, वो उसके माँ बाप कितने खुश थे, उसके पापा का मौत हो गया, उसकी माँ कितना मेहनत करती थी, कितना मेहनत देना करती थी, सिलाई करती थी इतना। और फिर उसे अपना गलती का एहसास हुआ और फिर वो रोने लगी। जब ही वो रोई तब सब कुछ पहले जैसा हो गया, वो फिर से 12 साल की हो गई। और वो अपने माँ को रोते हुए बोली कि माँ मैं आपको कभी भी किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं करूँगी, कभी भी कुछ भी नहीं मांगूंगी। तो उसकी माँ को तो कुछ नहीं याद था, इसलिए वो उसको कुछ नहीं समझ आया और वो उससे गला लगा दी, अपने राधा से गला लगा दी। तो इस गाने से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी माँ पापा कोई हीरे मोती से कम नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, हीरे मोती से बहुत अमूल होते हैं, इसलिए उन्हें कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, नहीं तो हम लोगों को उसका पनिशमेंट जरूर मिलता है। तो दोस्तों इस गाने से हमें यही पता चलता है। तो प्रॉमिस कीजिए जैसा मैं कही वही वैसा ही करेंगे। ओके okay.